हेलो फ्रेंड्स, सरकलन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे इंडिया इंडेक्स 2021 जो कि अपडेटेड है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखना और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना, और जो लोग चैनल पर नए विजिट है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले देख पाए। दोस्तों, इसका PDF आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टच करके आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर करें फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? दोस्तों, राइट आंसर है 142वें स्थान पर। देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत 142वें स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में पहला स्थान नॉर्वे को मिला है, दूसरा स्थान फिनलैंड है, तीसरा स्थान डेनमार्क है और अंतिम स्थान इरिट्रिया का है, जो कि 180 देशों में से 180वें स्थान पर इरिट्रिया का स्थान है। और भारत 2021 में 142वें पायदान पर है। भारत 2020 में कितना था? तो 142वें स्थान पर था। सेम जारीकर्ता कौन है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा यह जारी किया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 भारत का स्थान कौन सा है? राइट आंसर है 140वां स्थान। देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान है 142वां स्थान, याद रखिएगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर आइसलैंड है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड है, तीसरा स्थान है नॉर्वे का और चौथा स्थान है न्यूजीलैंड का। भारत 2021 में है 140वें स्थान पर। जारी कौन करता है? तो WEF यानी विश्व आर्थिक मंच। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 2021 भारत किस स्थान पर है? राइट आंसर है 14 स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 2021 में भारत 40वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, अंतिम स्थान पर वेनेजुएला जो कि 53वें स्थान पर है। भारत 2021 में 40वें स्थान पर और 2020 में भी 40वें स्थान पर था। इसे जारी कौन करता है? तो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा यह जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? राइट आंसर है 50वें स्थान पर। देखिए, ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत 50वें स्थान पर है। ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 पहले स्थान पर दक्षिण कोरिया है, दूसरे स्थान पर सिंगापुर, तीसरा स्थान स्विट्जरलैंड का है और भारत 2021 में 50वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? राइट आंसर है 49वें स्थान पर। देखिए, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत 49वें स्थान पर है। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में पहला स्थान स्वीडन का है, दूसरा स्थान यूनाइटेड किंगडम का है, तीसरा स्थान है स्पेन का और चौथा स्थान ऑस्ट्रेलिया का है, पांचवा स्थान हांगकांग का है। भारत 2021 में 49वें स्थान पर है और 2020 में भारत था 52वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? राइट आंसर है 49वें स्थान पर। देखिए, चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में भारत 49वें स्थान पर है। चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 पहला स्थान फिनलैंड को मिला है, दूसरा स्थान है स्विट्जरलैंड का, तीसरा स्थान है सिंगापुर का और चौथा स्थान है नीदरलैंड का, पाँचवें स्थान पर डेनमार्क है। भारत 2021 में 49वें स्थान पर है। जारी कौन करता है? तो चांडला इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस के द्वारा यह जारी किया जाता है। मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 भारत का स्थान कौन सा है? दोस्तों, राइट आंसर है 87वां स्थान। देखिए, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक इंडेक्स 2021 में भारत 87वें स्थान पर है।
वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 पहले स्थान पर स्वीडन है, दूसरे स्थान पर नॉर्वे है, तीसरा स्थान मिला है डेनमार्क को और चौथा स्थान है स्विट्जरलैंड का और अंतिम स्थान है जिम्बाब्वे का। इसमें 115 देश हैं और भारत 2021 में 87वें स्थान पर है। जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु जोखिम सूचकांक यानी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 भारत का स्थान कौन सा है? राइट आंसर है 7वां। देखिए, जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 7वां है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में पहला स्थान है मोजाम्बिक का, दूसरा स्थान है जिम्बाब्वे का, तीसरा स्थान है बहामास का और चौथा स्थान है जापान का, पाँचवें स्थान पर मलावी है और छठे स्थान पर है अफगानिस्तान। भारत 7वें स्थान पर है। 2020 में भारत 5वें पायदान पर था। जारी कौन करता है? तो जर्मन वाच के द्वारा जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 का इंडेक्स जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस 2021 भारत का स्थान क्या है? राइट आंसर है 10वां। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 10वां है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021, नोट कीजिए, इस सूचकांक में 1, 2, 3 स्थान पर कोई भी देश नहीं है। चौथे स्थान पर स्वीडन है, 5वें स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है, 6ठे स्थान पर डेनमार्क है और भारत 10वें स्थान पर है। 2020 में भारत 9वें पायदान पर था और जारी कौन करता है? तो जर्मन वाच द्वारा यह जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक यानी एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? राइट आंसर है 10वां स्थान। एशिया प्रशांत व्यक्तिकृत स्वास्थ्य सूचकांक 2021, पहले स्थान पर सिंगापुर, दूसरा स्थान है ताइवान का और तीसरा स्थान है जापान का, चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है और पांचवें स्थान पर इंडोनेशिया है। जारी कौन करता है? तो इकोमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा यह जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? दोस्तों, राइट आंसर 121वां स्थान है। देखिए, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 121वां है। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर सिंगापुर है, दूसरा स्थान है न्यूजीलैंड का, तीसरा स्थान है ऑस्ट्रेलिया का, चौथा स्थान है स्विट्जरलैंड का और पांचवा स्थान है आयरलैंड का। 2021 में भारत 121वें स्थान पर है। 2020 में भारत 105वें स्थान पर था। जारी कौन करता है? तो हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा यह जारी किया जाता है, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। याद रखिएगा, हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में। स्थापना 16 फरवरी 1973 को हुआ था। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस ए सैंडर्स हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स का। अगला प्रश्न है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक यानी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? राइट आंसर है 111वां। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 111वां है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक यानी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर न्यूजीलैंड है, दूसरा स्थान है स्विट्जरलैंड का, तीसरा स्थान है हांगकांग का और भारत है 111वें पायदान पर। कुल देश इसमें शामिल होते हैं 162 देश हैं। अंतिम देश सीरिया का है जो कि 162वें नंबर पर है। जारी करता है काटो इंस्टीट्यूट यूएसए और फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? राइट आंसर है 85 है। देखिए, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 85वां है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में पहला स्थान पर जापान है, दूसरा स्थान सिंगापुर का है, तीसरा स्थान जर्मनी और दक्षिण कोरिया, संयुक्त रूप से भारत और तजाकिस्तान संयुक्त रूप से 85वें पायदान पर हैं। 2020 में भारत 84वें स्थान पर था, चीन 17वें स्थान पर और अंतिम स्थान अफगानिस्तान का जो कि 110वां पायदान पर था। जारीकर्ता कौन है? तहले पार्टनर्स के द्वारा यह जारी किया जाता है। मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। स्थापना कब हुई थी? तो 1997 में इसकी स्थापना हुई थी।
अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रकाशन यानी साइंटिफिक पब्लिकेशन रैंकिंग 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? राइट आंसर है तीसरा। वैज्ञानिक प्रकाशन 2021 में भारत का स्थान तीसरा है। अगला प्रश्न है, ब्रेकडाउन इकोनॉमिक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? राइट आंसर है चौथा। देखिए, ब्रेकडाउन इकोनॉमिक 2021 में भारत का स्थान चौथा है। ब्रेकडाउन इकोनॉमिक्स 2021 में पहले स्थान पर चीन है, दूसरा स्थान अमेरिका का, और जारीकर्ता कौन है? तो टफ्ट्स यूनिवर्सिटी फ्लेचर स्कूल के द्वारा यह जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर नेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? राइट आंसर है चौथा। देखिए, ग्लोबल फायर पावर नेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान चौथा है। ग्लोबल फायर पावर नेशन इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरा स्थान रूस का है, और तीसरा स्थान चीन का है, चौथे स्थान पर भारत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस देश में सड़क दुर्घटना में सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है? राइट आंसर है भारत में। ट्रैफिक क्रैश इंजूरियस एंड डिसेबिलिटी इंडिया रिकॉर्डेड हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड क्रैश डेथ अक्रॉस द वर्ल्ड। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक 2020 में मिलियन प्लस कैटेगरी में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है इंदौर। देखिए, मार्च 2021 में नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक 2020 में मिलियन प्लस कैटेगरी में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो इंदौर रहा है। मिलियन प्लस पॉपुलेशन कैटेगरी में इंदौर है। लेस देन एक मिलियन कैटेगरी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में जीवन सुविधा सूचकांक 2020 में मिलियन प्लस कैटेगरी में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर है बेंगलुरु। मार्च 2021 में जीवन सुविधा सूचकांक में प्लस कैटेगरी में बेंगलुरु शहर शीर्ष पर रहा है। मिलियन प्लस पॉपुलेटेड सिटी बेंगलुरु, लेस देन मिलियन पॉपुलेशन सिटी शिमला। लॉन्च कौन करता है? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। मिनिस्ट्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी है। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में ग्यारहवीं साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के अनुसार कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टॉप्ड बाई मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनाइटेड स्टेट्स में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे हैज इमर्ज्ड एज द बेस्ट इंस्टीट्यूट रैंक 172वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 को जारी 10वीं हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है इलोन मस्क को। देखिए, मार्च 2021 को जारी किया गया था 10वीं हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान पर इलोन मस्क है। इस सूची में टेस्ला के इलोन मस्क 197 बिलियन यूएस डॉलर की संपत्ति के साथ शीर्ष पर रहे हैं। मुकेश अंबानी इस सूची में 8वें पोजीशन में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय अरबपति हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत की रैंक कितनी है? राइट आंसर है 53वां। देखिए, वर्ष 2021 में जारी किया गया है लोकतंत्र सूचकांक 2020 का, जो कि भारत की रैंक 53वां है। 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स इंडिया रैंक 53। टॉप कंट्री कौन है? तो नॉर्वे है। रिलीज कौन करता है? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्यों में किस राज्य को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है मेघालय को। उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्यों में मेघालय को 12.15 को अंतिम स्थान, जो कि 10वें स्थान प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री कौन है? तो कोनराड संगमा है। गवर्नर सत्यपाल मलिक है। जारी कौन करता है? तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर है महाराष्ट्र। देखिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर रहा है महाराष्ट्र राज्य। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021 में टॉप डग बाई द महाराष्ट्र, सीएम उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य अंतिम स्थान पर रहा? राइट आंसर है कर्नाटक।
बड़े राज्यों में कर्नाटक का स्कोर 42.50 शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। बड़े राज्यों में बिहार का स्कोर है 14.48 जो कि अंतिम 17वें स्थान पर है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स बाय किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा यह जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्यों में शीर्ष राज्य को स्थान को प्राप्त हुआ? दोस्तों राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश को। उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश का स्कोर 25.06 को जो कि शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है, गवर्नर हैं बंदारू दत्तात्रेय। इंडिया इनोवेक्स इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में केंद्र शासित प्रदेशों एवं शहरी राज्यों को किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है दिल्ली को। केंद्र शासित प्रदेशों में एवं शहरी राज्यों में दिल्ली का स्कोर रहा है 46.60। मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल हैं और गवर्नर हैं अनिल बैजल। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में केंद्र शासित प्रदेशों एवं शहरी राज्यों किस राज्य को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है लक्षद्वीप को। देखिए, नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में केंद्र शासित प्रदेशों एवं शहरी राज्यों में लक्षद्वीप राज्य को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्र शासित प्रदेशों एवं शहरी राज्यों में लक्षद्वीप का स्कोर 11.71 है जो कि 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रशासक कौन है? तो प्रफुल्ल पटेल हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई जर्नल में प्रकाशित हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय शहर में अधिकतम CCTV कवरेज है? राइट आंसर है चेन्नई में। दक्षिण एशियाई जर्नल में प्रकाशित हालिया रिपोर्ट के अनुसार चेन्नई में प्रति वर्ग किलोमीटर और प्रति 1000 जनसंख्या पर सबसे ज़्यादा CCTV कवरेज है। अगला प्रश्न है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा महिलाएं पुलिस अधिकारी हैं? दोस्तों राइट आंसर है तमिलनाडु में। तमिलनाडु हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ वुमेन पुलिस ऑफिसर्स जो कि 24.8% है। बिहार में एम्प्लॉयड मोस्ट वुमेन इन पुलिस फोर्स 25.3%। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021 जारी, टॉप बाई कंट्री है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाढ़ से फसल का नुकसान हुआ है? राइट आंसर है मध्य प्रदेश को। देखिए, वर्ष 2021 में हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा बाढ़ का जो कि फसल के नुकसान में मध्य प्रदेश राज्य का हुआ है। वर्ष 2021 में हाल ही में केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य सबसे ज़्यादा बाढ़ और बारिश से फसल का नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश फसल का नुकसान 6.047 मिलियन हेक्टेयर हुआ है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार भारत के किस राज्य में मैतरों की संख्या सर्वाधिक हुई? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में कौन सा शहर वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक हब बना? राइट आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक हब जो कि बना है और लंदन सेकेंड स्थान पर है, मुंबई 6th पोजीशन पर है। लंदन फर्म से इन्वेस्टमेंट इन बेंगलुरु ग्रीव 5.4 times। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में टॉम ट्रैफिक सूचकांक के अनुसार दुनिया का सबसे खराब ट्रैफिक वाला भारतीय शहर कौन बना? राइट आंसर है मुंबई। ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स में मुंबई दुनिया का दूसरा ऐसा शहर है जहां ट्रैफिक कंजेशन काफ़ी ज़्यादा है। इंडेक्स टॉप्ड बाय मास्को, रिपोर्ट बाई टॉम ट्रैफिक इंडेक्स। अगला प्रश्न है, भारत की एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में कौन सी रैंक है? राइट आंसर है 10वें स्थान पर। भारत की एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में 10वें स्थान पर है। एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स इंडिया रैंक 10 टॉप पर है सिंगापुर। पब्लिश कौन करता है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा यह पब्लिश किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत की रैंक है? राइट आंसर है 94वें स्थान पर। विश्व भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 94वें स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 इंडिया रैंक 94th स्थान। टॉप्ड में कंट्री कौन है? तो बेलारूस है। रिलीज कौन करता है? तो
कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा यह पब्लिश किया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 2021 के अनुसार विश्व का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है? राइट आंसर है एप्पल। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में कौन विश्व की सबसे वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड बनी? दोस्तों राइट आंसर है एसेंचुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में भारत को ब्रेकआउट इकोनॉमीज में कौन सा स्थान दिया गया है? राइट आंसर है चौथा स्थान। देखिए वर्ष 2021 में भारत को ब्रेकआउट इकोनॉमीज में चौथा स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स 2021 में सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? राइट आंसर है जेफ बेजोस। देखिए ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स 2021 में सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं जेफ बेजोस। अमेज़न फाउंडर जेफ बेजोस टॉप द चार्ट विथ ए न्यू नेट वर्थ ऑफ $201 बिलियन। मुकेश अंबानी जो कि 12वें स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है, भारत को वर्ष 2021 में वैज्ञानिक प्रकाशन में दुनिया में कौन सा स्थान दिया गया है? राइट आंसर है तीसरा। साइंटिस्ट पब्लिकेशंस रैंक में भारत का तीसरा स्थान है, टॉप कंट्री चाइना है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर है 86। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर है 86वां। देखिए भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक 86वां है। अगला प्रश्न है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर है 7वां। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 7वां है, टॉप कंट्री है मोजाम्बिक। रिलीज कौन करता है? तो जर्मन वॉच के द्वारा यह रिलीज किया जाता है। क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है, 93वें ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड का सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर आपको टच कर देना, और बगल में बेल आइकन को भी टच करके ऑल नोटिफिकेशन ओपन कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।